you. Good morning, sir. Today is the topic of product marketing management unit 3rd. Actually, product, what is the product? Product is a first piece of marketing mix. Actually, seven piece of marketing mix in all the corporate areas. First things, price, place, promotion, people, physical evidence, promotion. First is price. Yes. Second is product. First is product. Second is price. Third is place. Fourth is promotion. Fifth is physical evidence. Sixth is people. Seventh is process. That is a marketing mix. ये जो मार्केटिंग मिक्स है इस सेवन है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप एक कंपनी को कॉर्पोरेट को स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट चीज है अपन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है? फर्स्ट चीज जो मार्केटिंग मिक्स है, ये टेंजिबल एट्रीब्यूट है, इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी है। मतलब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए होगी? प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या आप कोई नई चीज लॉन्च कर रहे हो तो उस नई चीज को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया क्या होना चाहिए? दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंपनी का क्या है, हार्ट होता है। जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं होगा, तब तक आप किसी भी कस्टमर्स को आप उस चीज को सेल नहीं कर सकते, नहीं आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल प्रोडक्ट वो होते हैं जो आप उस चीज को सीन कर सकते हो। ठीक है, इनटेंजिबल जो प्रोडक्ट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी है, अब इंश्योरेंस कंपनी में प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? इंटेंजिबल। उसमें क्या होता है कि आपको एक प्लान प्रोड्यूस किया जाता है, उस प्लान के बारे में आपको समझाया जाता है, डेट वो आपको सेल करके और आपको उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है डे टू डे, या फिर साल के साल में क्या होता है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बेनिफिट यूज में लिया जाता है, दैट इज अ टेंजिबल। ठीक है, आगे इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट फीचर्स एंड अकंपेनिंग सर्विसेज। Product is a set of tangible and intangible attributes. Attributes means features. Attributes means उस product की features कौन कौन से होते हैं, चाहे इससे वो tangible हो चाहे intangible हो, उस product के features कौन कौन से होते हैं, including packaging. अब for example, suppose करो आप किसी राशन की दुकान पर जा रहे हो। ठीक है, अब राशन की दुकान पर चले गए आप, अब आपने एक किलो चावल परचेस कर लिया। अब एक किलो चावल परचेस कर लिया आपने, वो चावल जो राइस है वो आपने खुले में परचेस किया, तो सामने वाला शॉपकीपर क्या बोलेगा कि आप अपना हाथ लीजिए, आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपको उसमें एक किलो चावल दे देता हूँ। क्या ये सही है? नहीं क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के साथ साथ आपको उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। वो क्या है, उस थैली में, उस पॉलीथीन में पैक करके आपको देगा। थैली क्या है आपके यहाँ पर? पैकेजिंग। थैली में क्या है? उसका कलर, उसकी प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, सर्विस विच द बायर मे एक्सेप्ट दी ऑफरिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स। जब तक आप कंज्यूमर्स की नीड्स को पता नहीं कर लेता, तब तक आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। राइट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन किससे लेगी? कंज्यूमर से लेगी। कंज्यूमर्स के लिए पहले वो मार्केट में रिसर्च करेगी, रिसर्च करने के बाद फिर उसके क्या है, उसकी नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करके और उसको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी। राइट, दैट इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स प्रोडक्ट। टेंजिबल एट्रीब्यूट्स, टेंजिबल एट्रीब्यूट्स का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कोई एक एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेन है। अब वो पेन को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अब उस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? उस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंक चाहिए, इंक के लिए फिर आपको उसका कवर चाहिए, पैकिंग चाहिए, उसका वो चीज नुक चाहिए। राइट, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसके फीचर्स है टेंजिबल प्रोडक्ट के। कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको पूरी फीचर्स लेकर, पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, आपको पता है इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते, दैट इज ए इनटेंजिबल एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन ले लिया, अब लोन लेने के बाद आप लोन ले लिया आपने, अब लोन लेने के बाद कंपनीज आपको उस चीज़ के बारे में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया कहीं पर भी, तो उसके बारे में आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड हो रही है, दैट इज ए इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है। तो वो प्रोडक्ट ना, म्यूचुअल फंड क्या होता है? प्रोडक्ट तो होता है। अब उस प्रोडक्ट के बारे में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे पर मंथ 3000 रुपीज कर रहे हो या 5000 रुपीज कर रहे हो, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, दैट इज ए इनटेंजिबल एट्रीब्यूट। आ रही बात समझ में? ठीक है,
इट हैज एन एक्सचेंज वैल्यू. एक्सचेंज वैल्यू का मतलब होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो तो उसके लिए पहले आपको कुछ पे करना पड़ता है. पे करने के बाद आपको वो कोई प्रोडक्ट मिलता है. तो दैट इज इट हैज एन एक्सचेंज वैल्यू. मतलब उस वैल्यू को एक्सचेंज करके आप कोई चीज़ को प्रोडक्ट दे सकते हो पे करके. इट हैज यूटिलिटी बेनिफिट. अब सपोज करो मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट ऐसे भी है जो अपने लिए यूटिलिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी कीपैड फोन, अभी आज की जनरेशन कैसी है कि कीपैड फोन के लिए नहीं है, आपको क्या चाहिए एंड्रॉयड फोन या टच स्क्रीन फोन. अब यदि आज कोई कंपनी कीपैड फोन प्रोड्यूस करती है तो क्या वो आपके लिए यूटिलिटी बेनिफिट है? नहीं है ना. तो ऐसे बहुत सी कंपनीज ऐसी है जो आपने परचेस करने के बाद आपको वो चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए तो वो प्रोडक्ट सक्सेस है, अदरवाइज नहीं है. मतलब आपने वो प्रोडक्ट तो ले लिया, लेने के बाद आपके लिए क्या बेनिफिट है तो ही वो चीज़ें, अदरवाइज नहीं. तो इट हैज यूटिलिटी बेनिफिट. अरे बात समझ में. इट हैज डिफरेंट फीचर्स. इसका मतलब ये है कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट सेल परचेस करते हो तो परचेस करने के बाद उसके फीचर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है. इट इंक्लूड्स कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. इसका मतलब क्या होता है, कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शन करना पड़ता है. जैसे आपने जैसे कोई कंपनी है यदि वो प्रोड्यूस कर रही है कोई भी चीज़ को, तो उस प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर्स को क्या क्या सेटिस्फेक्शन है, कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही, दैट इज अ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है. इट इंक्लूड्स कलर, प्राइस, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एक्सेट्रा. मतलब उसका कलर क्या होना चाहिए, उसकी प्राइस, उसका साइज, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए तो ही वो होगा, ठीक है. इट इज अ फर्स्ट पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स. मतलब मार्केटिंग मिक्स के 7 है. यहाँ पर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस, इनमें से जो फर्स्ट चीज़ है वो है प्रोडक्ट. इसको फर्स्ट पीस ऑफ प्रोडक्ट ही क्यों, मतलब मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट पी ही क्यों? बिकॉज जब आप किसी कॉरपोरेट में कोई चीज़ स्टार्टअप चालू करते हो तो स्टार्टअप चालू करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, प्रोडक्ट, कि आप कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हो और मार्केट में इसकी क्या डिमांड है, डिमांड है कि नहीं है, वो भी अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है. इट इज़ द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ द कंपनी. मतलब प्रोडक्ट क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो आपका हार्ट है, विजिबल पार्ट ऑफ द कंपनी है. जब तक प्रोडक्ट होगा तब तक आपकी कंपनी चलेगी, आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है. नेक्स्ट अपन बड़े इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट. पहले ये मीनिंग एंड ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग एंड फीचर्स दोनों को आप इंक्लूड करोगे तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है. अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट. इट इज़ दिस सेंटर ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज. प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को सेंटर करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मार्केट में जाके कस्टमर्स को मार्केट में जाके उस चीज़ का रिसर्च करना पड़ेगा. रिसर्च करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो आपको एक आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, राइट. आइडिया जनरेट करने के बाद आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है. स्क्रीनिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा उसका, आपको उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा. जैसे आपने कोई प्रोडक्ट, आपका आइडिया आया, आइडिया आने के बाद आपने क्या किया, मार्केट में जब आप जाओगे तो उस कंज्यूमर्स की जो मार्केट की रिसर्च है वो आप पहले करोगे कि कंज्यूमर्स की ये जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं वो इसकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा, कंज्यूमर इससे सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है. रिसर्च करने के बाद वो क्या करेगा, इसको टेस्ट करेगा. टेस्ट कैसे करेगा, टेस्ट कैसे करेगा कि जब आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, प्रोड्यूस करने के बाद आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा एज ए कंज्यूमर्स को, आपको सिंपल के तौर पे आपको उसको सेल करना पड़ेगा कि आप एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज़ में लीजिए, यदि उसको पसंद आएगा तो वो आगे फिर उस प्रोडक्ट को लेगा. दैट इज ए टेस्टिंग मार्केटिंग, ठीक है ना. अब टेस्ट करने के बाद फिर वो उसको क्या करेगा, कॉमर्शलाइजेशन करेगा कि उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा जगह जगह जाके, वो पूरे मार्केट में ऑल ओवर उसको क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा, ठीक है. इट इज़ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग. जब आप मार्केटिंग प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका प्रोडक्ट, ठीक है. इट इज़ द की टू मार्केट सक्सेस. प्रोडक्ट जब तक होगा तब तक आपको मार्केट सक्सेस होना चाहिए. सेंटर ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फेक्शन. सेंटर ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फेक्शन इसका मतलब ये है, सपोज करो आज से 10 साल पहले की बात है, एक इंक पेन आता था और एक वॉल पेन या जेल पेन आता था, ठीक है. अब इंक पेन क्या होता था, आप जब कोई भी राइट वाइट करते थे तो राइट करने के बाद और यदि वो क्या है, इंक जो होती थी वो क्या है, स्प्रेड होती थी, फेल जाती थी. आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो और जरा सा आपका हाथ टच कर गया तो वो स्प्रेड हो जाती थी, इंक क्या होती थी, स्प्रेड होती थी. अब तो उन्होंने क्या किया कि अपन ऐसी इंक बनाएंगे
अपन ऐसी पेन प्रोड्यूस करेंगे जो जेल हो और उसमें आपको बार बार में उसको रिफिल नहीं करना पड़े, बस डायरेक्ट आप उसको प्रोड्यूस करके और देन फिर आप उसको चला सकते हो। आ रही बात समझ में? इम्पोर्टेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट, सोशल पॉइंट इम्पोर्टेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट। जैसे सोशल पॉइंट है कि जैसे आप ह्यूमन रिसोर्स आपको सोशल से मिलता है, आपको नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है आपको सोशल, ठीक है ना। आपको जैसे कोई भी चीज़ है, आपको जब कोई भी चीज़ आप थोड़े प्रोड्यूस करते हो या उसको सेल करते हो तो आपको पहले किससे करना पड़ेगा, सोशल पॉइंट से करना पड़ेगा। मतलब जो समाज के लोग हैं, सोशल है, उनको आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट नीड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना? कॉर्पोरेट नीड सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि यदि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया तो कॉर्पोरेट जो है वो आपका क्या करेगा। कॉर्पोरेट नीड सेटिस्फेक्शन का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट जो है उसका आप एक कॉम्पिटिटर बन जाओगे, उसको फेस करने लग जाओगे। कॉम्पिटिटर इन द सेंस, यदि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो कॉम्पिटिटर के पास भी है तो आप उसको फेस करने लग जाओगे। और उसके बाद है ना, कॉर्पोरेट क्या करेगा, उस फेस के साथ आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे जिससे वो आपका उसको सेटिस्फेक्शन हो सके। राइट, इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव वेपन। कॉम्पिटिटिव वेपन का मतलब ये है कि आप जब किसी कंपनी को फेस करते हो और अच्छा प्रोडक्ट लाते हो तो आपका आपने प्रोडक्ट अच्छा प्रोड्यूस कर लिया तो वो एक कंपिटिटिव वेपन बन जाएगा और आप उस रेस की कैटेगरी में आ जाओगे जो बाकी अदर कंपनीज कर रही है। राइट, नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एन आइडिया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट। जनरेशन ऑफ एन आइडिया का मतलब है कि आपने कोई एक आइडिया जनरेट किया। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जैसे कोई एक मोबाइल फ़ोन है, पहले क्या था, कीपैड था, कीपैड के बाद फोल्डेड फ़ोन आने लगते हैं। फोल्डेड का मतलब है कि फोल्ड करो उसके बाद डायरेक्ट आप कॉलिंग स्टार्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आने लग गया, टच स्क्रीन फ़ोन आने लग गया। अब आज के ज़माने में क्या है कि आप है ना कीपैड फ़ोन यूज़ नहीं लेते, क्यों, क्योंकि अब वो अपनी कैटेगरी में नहीं आता। अब अपन को कौन से फ़ोन चाहिए, फ़ोन वो चाहिए जो टच स्क्रीन फ़ोन है जिसकी आपको हर तरह की फीचर्स आपको मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक जनरेशन को अकॉर्डिंग अपना एक आइडिया इन्होंने जनरेट कर लिया, उसके बाद इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने का मतलब ये है कि सपोज़ करो आपने एक फ़ोन है वन प्लस, उसके 97 टेस्ट हुए थे उस फ़ोन के ऊपर, 97 टेस्ट हुए थे, उसके बाद वो मार्केट में लॉन्च हुआ। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, टेस्ट करने के लिए उस फ़ोन को ना ऐसा फ़ोन बनाया था कि जो आईफोन की कैटेगरी में आकर भी ना वन प्लस जो है वो सारे फीचर्स कम रेंज में उसको अवेलेबल कराते, इसके लिए उन्होंने स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया करने के लिए सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर उसने टेस्टिंग की। टेस्टिंग इन द सेंस कि सबसे पहले तो उस जो फ़ोन है, जो एक मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन का उसने सबसे पहले टेस्टिंग की। टेस्टिंग इन द सेंस उस फीचर्स के बारे में उसके सारी चीज़ें अलग अलग करके देखा कि पहले अपने क्या क्या फीचर्स होने चाहिए इसके अंदर। उसका फीचर्स होने के बाद उसने देखा कि अब इसकी बॉडी ऐसी बनाओ कि ये जब थोड़ा नीचे भी गिरे तो स्क्रैच नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे करके इसने 97 टेस्ट किए थे। उसके बाद उसकी एक उसको लगा कि हाँ अब ये फ़ोन अवेलेबल है और इस फ़ोन को अब आगे जाके इसको प्रोसेस में ला सकते हैं। तो उसने स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया कर लिया। बिजनेस एनालिसिस का मतलब ये है कि जब आपने स्क्रीनिंग कर ली उस आइडिया की स्क्रीनिंग करने के बाद बिजनेस को एनालाइज कैसे किया आपने, कि जब आपने अदर कंपटीटर को देखने के बाद उनके सारे फीचर्स को आपने सर्च करके आपने क्या किया, बिजनेस एनालाइज किया उस चीज़ का कि अब मैं कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट लाऊं जिससे कस्टमर्स उस चीज़ को परचेज भी कर सके और उसकी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फेक्शन भी हो सके। तो ये चीज़ के लिए उसने बिजनेस एनालाइज किया, फिर मार्केट में जाके उसको रिसर्च किया। मार्केट में उसको कैसे रिसर्च किया, पहले उसने क्या किया, सब कंज्यूमर्स के बारे में एक परसेप्शन लिया कि कंज्यूमर्स के बारे में परसेप्शन लेने के बाद मार्केट में रिसर्च किया कि कौन कौन से कस्टमर्स को किस चीज़ से क्या बेनिफिट है और उनको कौन कौन सी चीज़ अभी अवेलेबल होनी चाहिए कम रेट में, कम प्राइस में, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च करने के बाद जो उनके पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद उसको प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लग गए। प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के बाद टेस्ट मार्केटिंग, जिसको अपन सैम्पलिंग बोलते हैं, सैम्पलिंग कर ली उन्होंने। उस प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करने के लिए पहले लोगों को क्या किया, धीरे धीरे सैम्पलिंग के तौर पर उसको सेल करने लग गए। तो
कंज्यूमर्स का जब फीडबैक आता है तो फीडबैक के बाद उन्होंने क्या किया, उसको कमर्शलाइजेशन कर लिया, मतलब उसको हर जगह उसको स्प्रेड करके उसको सेलिंग करने लगे। ये क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग के प्रोसेस है। तो ये जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या प्रोडक्ट बनाते हो या मैन्युफैक्चर करते हो, तो ये सारे स्टेप्स होने चाहिए इसके लिए। ये स्टेप्स को ध्यान में रखकर ही आप एक प्रोडक्ट को आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें तीन चीज़ें होती है, या तो आप है ना नया प्रोडक्ट डाल लो, या फिर आपके पास जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप क्या करो, अपग्रेड कर लो। ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसके बारे में आप एक इम्प्रूवमेंट कर लो उस प्रोडक्ट को देखकर। और तीसरी चीज़ होती है कि आपने उस प्रोडक्ट जो है उस प्रोडक्ट को या तो आप बाहर कर दो कि अब ये हमारे मार्केट में कोई यूज़ में नहीं, तो उस प्रोडक्ट को बाहर निकल के और एक नया प्रोडक्ट लेना, ठीक है। ये तीन चीज़ की कैटेगरी में आते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैज़ ए यूनिक रोल फॉर ए मार्केटिंग कंपनी। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है यूनिक रोल रखता है मार्केटिंग कंपनी के लिए। चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वल्नरेबल का मतलब होता है हार्म, किसी चीज़ को हार्म करना, ठीक है ना। चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर्स की नीड्स ये तो नहीं है कि वो एक ही जगह रहेगी, उसकी कंज्यूमर्स की नीड हमेशा चेंज होती रहती है, राइट। कंज्यूमर्स की नीड हमेशा चेंज होती रहती है, कंज्यूमर्स की परसेप्शन हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग है ना उनको मार्केट में रिसर्च करके न्यू टेक्नोलॉजी को लाना पड़ता है। पहले आज से बहुत साल पहले एक कीपैड फ़ोन यूज़ में होते थे, अब आज वो कीपैड फ़ोन यूज़ में नहीं होते, अब आज क्या टच स्क्रीन फ़ोन यूज़ में होते हैं। और जो पहले टच स्क्रीन फ़ोन थे कुछ सालों पहले, उन्हीं को ये अपग्रेड वर्जन करते करते और ये न्यू टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन प्लस है, वन प्लस हमेशा छः महीने में एक एक नया अपना अपग्रेड वर्जन निकालता रहता है, चाहे वो अपनी एक खुद की सीरीज है, वो सीरीज में अपना नया नया वर्जन निकालता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स की जो नीड रहती है ना वो हमेशा चेंज होती रहती है, जिससे उनको मार्केट को या प्रोडक्ट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको क्या करना पड़ता है, ये जो प्रोडक्ट है उसको अपग्रेड करना पड़ता है, नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आना पड़ता है। और जो ऑलरेडी चल रहे प्रोडक्ट उनको डिसकंटिन्यू करके और उसको शहर में रख देना पड़ता है। यदि उस चीज़ से आप अपग्रेड नहीं ला सकते तो उस प्रोडक्ट को आप शहर में लेके आ सकते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स ह्यूज फंड, मतलब आप जब कोई प्रोडक्ट प्लानिंग करते हो या नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपके लिए उसके लिए आपको बहुत सारा फंड लाना जरूरी है। फंड लाने के बाद इसमें कंटेंट एक्सपेक्टर होता है, कंटेंट एक्सपेक्टर का मतलब है कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, जरूरी थोड़ी ना है कि वो प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा मार्केट में, तो आपको क्या करता है एक एक्सपेक्टर कंटेंट होना होता है। इन प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट में भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाई द कंज्यूमर एंड द मार्केट। जरूरी नहीं है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो वो कंज्यूमर्स वो मार्केट में एक्सेप्ट भी हो सकता है और मार्केट से रिजेक्ट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन के ऊपर और मार्केट के ऊपर, ठीक है ना। तो जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो सकता है कि वो एक है रिजेक्ट हो जाए, और एक्सेप्ट होता है तो वो उसमें क्या करते हैं धीरे धीरे उस चीज़ में अपग्रेड करते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। दस इट कैन बी सेट द प्रोडक्ट प्लानिंग इज टू डिसाइड पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट प्लानिंग जब आप करते हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसाइड करना पड़ता है आपको, विच आर टू बी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट बाई द एंटरप्राइज। मतलब जो प्रोडक्ट आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, और उसको प्रोड्यूस करने के बाद आप पूरे मार्केट में उस चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो थ्रू होलसेलर और थ्रू रिटेलर, ठीक है। डेफिनेशन प्रोडक्ट प्लानिंग, दी प्लानिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल स्टेज इन द लाइफ साइकिल। आप लोगों को लाइफ साइकिल के बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये एक डायग्राम है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डायग्राम, ये प्रोडक्ट सेल,
इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जब प्रोडक्ट है ना धीरे धीरे ऊपर पहुँचता है तो वो ऊपर पहुँचने के बाद उसकी ग्रोथ रेट ऊपर होती है। उसके बाद एक ऐसे पॉइंट पर आती है कि जब उसके कंपटीटर उसको फेस करने लगते हैं। मतलब जब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद जब लोगों को मालूम पड़ता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हम भी यूज़ में दे, हम भी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बाकी की कंपनीज क्या करती है उसके कंपटीटर की पोजीशन पे आ जाती है और धीरे धीरे वो उसको कंप्लीट करने लगते हैं। तो एट अ सर्टेन टाइम और पीरियड में जब वो एक पीक प्लेस पर पहुँच जाता है तो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की जो रेट है वो प्राइस है वो कम हो जाती है। आ रही बात समझ? जैसे कोई प्रोडक्ट है, सपोज करो एक सैमसंग है। अब सैमसंग फ़ोन है, अब सैमसंग फ़ोन क्या करता है कि जब ये स्टार्टिंग में आया था तो लोगों की डिमांड बहुत अच्छी थी। लोगों की डिमांड अच्छी होने के बाद धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, उस सैमसंग के प्रोडक्ट को लेने लग गए। सैमसंग के प्रोडक्ट को लेने लग गए तो मार्केट में उसकी ग्रोथ रेट अच्छी बनने लगी, उसकी डिमांड अच्छी बनने लगी, उसकी सप्लाई अच्छी होने लगी। धीरे धीरे वो एक मैच्योरिटी पीरियड पे और ऐसे पीक प्लेस पे पहुंच गया था जिसमें धीरे धीरे सब लोगों ने उस मार्केट में एंट्री करने लग गए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीवो हो गया है ना, फिर जैसे आपका MI का हो गया फ़ोन, या आपका जैसे वन प्लस हो गया आपका, ठीक है ना, ओप्पो हो गया आपका। तो ये सब क्या है कि धीरे धीरे मार्केट में एंट्री करने लग गए, जिससे जो ये सैमसंग का जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे जब ये टॉप पोजीशन में पहुंच गया था ना, तो अब इसके कंपटीटर ये सब हो गए। अब इसके कंपटीटर ये सब होने के बावजूद ना अभी सैमसंग की जो रेट है वो धीरे धीरे कम होने लग गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। ये अपन आगे इसी स्लाइड में पढ़ेंगे। तो द प्लानिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन टू द टाइम ऑफ इट्स रिमूवल फ्रॉम द कंपनीज लाइन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट प्लानिंग। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स चलो आप लोगों की चलो भैया आप लोग डेफिनेशन प्रोडक्ट प्लानिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन टू द टाइम ऑफ इट्स रिमूवल फ्रॉम द कंपनीज लाइन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है वो एक क्रिएशन करता है किसी चीज़ का, डायरेक्शन देता है प्रोडक्ट प्लानिंग को और प्रोडक्ट को डायरेक्शन देता है और उसको कंट्रोल करके और उस चीज़ को क्या करता है एक टाइम और पीरियड पे उस चीज़ को क्रिएशन करके और बाकी की चीज़ को रिमूवल कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं चल रहा तो वो उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे उस चीज़ को, उस स्टेज से हटा के, और उसको कंट्रोल करने के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जिसमें कंज्यूमर्स की नीड्स एंड डिमांड्स को सेटिस्फेक्शन हो सके, नीड्स एंड जो कंज्यूमर्स को उस चीज़ के लिए बेनिफिट मिले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो कंपनी के पास ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है, यदि वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चल रहा तो उनके पास दो तरह की कंडीशन होती है। फर्स्ट कि या तो वो उस प्रोडक्ट को कम रेट में सेल कर दे या फिर उस प्रोडक्ट को हटा दे, डिसकंटिन्यू करके और नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, दैट इज अ प्रोडक्ट प्लानिंग, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, रिसर्च बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने से पहले आपको पहले मार्केट की रिसर्च करनी चाहिए। मार्केट को रिसर्च करने के बाद आपको ये पता लगाना होगा कि कंज्यूमर्स की क्या नीड है, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी होगी प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, पॉसिबिलिटी होगी कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, जब आपको मार्केट की रिसर्च करने के बाद जब आपको पता चले कि हाँ अब ये प्रोडक्शन कर सकते हो आप इस चीज़ का, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करके और उसकी पॉसिबिलिटी आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। डिसीजन फॉर चेंज इन प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में चीज़ को आपको अपग्रेड करते रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल OnePlus One जो फर्स्ट फोन था, उन्होंने क्या किया, एक सीरीज बना ली। OnePlus के बाद OnePlus 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके इन्होंने एक सीरीज बना ली, तो उसी एक फ़ोन में इन्होंने क्या किया, अपग्रेड वर्जन लाना स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट लाइन तो डिसीजन फॉर चेंज, ये हो सकता है कि ये कंपनी वाले जो है
ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाला जो है अपने डिसीजन को चेंज करके भी प्रोडक्ट लाइन को कर सकते हैं, ठीक है। डिसीजन फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, यदि उनको उसी प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट कंपनी के पास अभी अवेलेबल है उसी प्रोडक्ट में ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसका डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को अपग्रेड करके और इसी प्रोडक्ट को हमें मार्केट में सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है आप उसको साइड में रख सकते हैं, आप उस प्रोडक्ट को वहाँ से हटा सकते हो। उस प्रोडक्ट को आप साइड में रख सकते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस डिटरमिनेशन का मतलब ये है कि आपको उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकाल के आप उसको सेल करने के लिए आपको एक प्राइस डिटरमिनेशन करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, इलोन मस्क है। इलोन मस्क एक ऐसा क्रांतिकारी आदमी है जिसने टेस्ला कार बनाई थी जो विदाउट ड्राइविंग की चलती है। टेस्ला कार जो है वो विदाउट ड्राइविंग की चलती है। उन्होंने क्या किया था, एक ऐसी कोच बनाई थी, उन्होंने कार ऐसी बनाई थी जिसकी है ना प्राइस आई थी $80,000। उन्होंने सोचा कि $80,000 है। जब $80,000 की उनकी कॉस्ट आई थी ना, तो उन्होंने जब मार्केट में सेल किया तो मार्केट में सेल करने के बाद वो बहुत बड़ी मुश्किल से वो इलोन मस्क की जो कार है वो उनको सेल करनी पड़ी थी। उनके बाद उन्होंने क्या किया, उसने सेकंड ट्राई किया। सेकंड ट्राई करने के बाद वो टेस्ला मोटर उनके बजट में आ गई थी। अब उनका प्राइस था $50,000। तो लोग वो टेस्ला मोटर जो है उन्होंने उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करके कुछ फंक्शंस, कुछ फीचर्स को हटा के और कुछ अपग्रेड वर्जन लगा के वो टेस्ला जो मोटर्स है, जो कार है, उसका $50,000 में कॉस्ट लाकर और उसको जब मार्केट में सेल करा ना, तो उसकी इतनी अच्छी मार्केटिंग चली, इतना अच्छा वो कार चला। आज पूरे ऑल ओवर अमेरिका में 120 ऐसी टेस्ला मॉडल कार है जो विदाउट ड्राइविंग में चलती है, 120 अभी तक फिलहाल। और इलोन मस्क एक ऐसा है जो आप जो आने वाले फ्यूचर्स में हो सकता है कि वो उस कार को स्पेस में भी ले जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे, इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट प्लानिंग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। जब आप प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है, एक मार्केटिंग प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रोडक्ट प्लानिंग करने के लिए आपको पहले मार्केटिंग प्रोग्राम करके उसको स्टार्टिंग पॉइंट लाना पड़ेगा। सिंबल ऑफ मैनेजियल एबिलिटी, मैनेजियल एबिलिटी मतलब उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये निकाल के आपको उसकी एबिलिटी को सिंबल देना पड़ेगा। टू मीट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स, नेचर रिसोर्स और जो सोशल से जो आने वाले हैं कि आप सोशल को, जो आपके समाज सोसाइटी है उस सोसाइटी को आप ऐसे प्रोडक्ट दोगे जिससे सोसाइटी को उस चीज़ का बेनिफिट मिले, उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस होने वाली हेल्पफुल इन फेसिंग द कंपटीशन। जब आप प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छे से कर लेते हो और आपके प्रोडक्ट में एक इम्प्रूवमेंट आ जाता है, तो इम्प्रूवमेंट आने के बाद उसको आप फेसिंग द कंपटीशन, आप वो चीज़ में आपका हेल्पफुल भी रहता है। वाइड स्कोप, वाइड स्कोप का मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स ऐड कर रहे हो, क्या क्या चीज़ आप अपग्रेड कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक स्कोप है कि आप उस चीज़ को डिसकंटिन्यू करना चाहते हो कि आप उस प्रोडक्ट में आप नए नए फीचर्स ऐड करना चाहते हो, दैट इज़ अ वाइड स्कोप। अरे सर हो गया, डेफिनेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एनकंपास द टेक्निकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि एक टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट की क्या डिजाइन होगी वो डिजाइन आपको एक बनानी पड़ती है इंजीनियरिंग के थ्रू, और उस चीज़ को फिर आपको एक सिंबल के तौर पर आपको उसको मार्केट में ला के उसको आपको प्लेस करना पड़ता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूड्स दी चेंज इन दी साइज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, एक इंक्लूड्स होती है जिसमें उसकी साइज, उसकी डिजाइन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, कलर, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट। आपको एक चीज़ बता दूँ, एक पिंचिंग मशीन होती है जो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आती है। इसमें हार्ड होता है, जब आप किसी पेज पे कोई उस पिंचिंग मशीन को पंच करते हो तो उसमें से एक हार्ड आता है, मतलब हार्ड शेप का एक होल होता है और वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज़ में आता है। तो उसका कलर भी अलग है, उसकी साइज भी बहुत छोटी आती है और वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, हेल्पफुल भी रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी नई नई चीज़ में अपग्रेड आने लगी है, इसमें आपकी साइज़ भी होती है, उसकी डिज़ाइन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, इसमें उसके सारे फीचर्स आ गए,
और उसके कलर पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द नेक्स्ट स्टेप टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का. आगे एलिमेंट्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू डिस्कवर फीसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट. फीसिबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी की उस चीज की इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना. प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू डेवलप क्वालिटीज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट. डेवलप क्वालिटीज मतलब उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है उसको डेवलप करना और उसकी करेक्टरिस्टिक जो उसके फीचर्स है उसके बारे में लोगों तक पहुँचाना. टू डेवलप डिफरेंट मॉडल्स डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट. डेवलप क्या है, डिफरेंट मॉडल्स मतलब कहने का मतलब है कि जब आप एक ही सीरीज के सारे प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके मॉडल्स के बारे में भी आपका चेंज होता रहता है. डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉडल्स आते रहते हैं और उस चीज़ का उसको व्हीकल डिजाइन में करना पड़ता है, दैट इज अ प्रोडक्ट. टू सेलेक्ट द बेस्ट मॉडल और डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट. आपको क्या करना पड़ता है, आपके सामने बहुत सारे मॉडल्स होते हैं उसमें से कुछ मॉडल को आपको सेलेक्ट करके और उसको प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. टू डिसाइड द पैकेजिंग कलर साइज एक्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट. जब आप क्या करते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो तो उसकी साइज, उसका पैकेजिंग, उसका कलर ये आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है, उसके बाद फिर आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये है कि आप जब ये सारी चीज़ें कर लेते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हो, साइज का, कलर्स का, पैकेजिंग का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, सारी चीज़ें इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक अलग तरीके का कॉन्ट्रेक्शन आपको मार्केट में देना पड़ता है जिससे कस्टमर्स उस चीज़ उस प्रोडक्ट को देखकर इंट्रोडक्टिव हो जाए और उस प्रोडक्ट को ले लें. जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप किसी प्रोडक्ट की डिजाइन और उसकी पैकेजिंग देखते हो तो पैकेजिंग देखने के बाद उस चीज़ को आप आपके साथ अट्रैक्टिव हो जाता है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए. तो आप सोचते हो कि ये प्रोडक्ट नया है हमारे लिए तो हम हमारे लिए यूज़फुल भी होगा और हमें इसे यूज़ भी करेंगे. जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, उस प्रोडक्ट को ये प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस और अलग अलग तरीके की उसकी डिजाइन, कलर, साइज, पैकेजिंग सब कुछ आती है और उसको वो क्या करते हैं, उसको वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है. तो ये दैट इज अ प्रोडक्ट मिक्स हो गया. डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट अनप्रॉफिटेबल है उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को आप हटा सकते हो, ठीक है. इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट मतलब जब प्रोडक्ट, जब आप कोई आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको उस चीज़ को लेकर आप अपग्रेड कर सकते हो उसी प्रोडक्ट को, उसमें कुछ नए फीचर्स को ऐड करके और उस प्रोडक्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. प्रिंसिपल्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट. प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. जैसे अभी फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए. आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपने उस चीज़ उस प्रोडक्ट को आपने एज ए टेस्ट किया तो टेस्ट करने के बाद उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए. सपोज करो एक पेन है, अब उस पेन को आपने यू फेंक दिया और उसकी नुक टूट गई तो उसका स्टैंडर्ड रहेगा नहीं. तो उस जो पेन का जो आगे का कैप है यदि आप उस चीज़ को आप फेंकते हो तो उसकी नुक जो है वो सेफ होनी चाहिए. ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जिससे उसकी प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन सेफ रहे, ठीक है. तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन का मतलब यह है कि आज आपको बताया कि हर तरीके के पेन्स आज मार्केट में अवेलेबल है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इंक पेन हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट के सारे पेन हो गए. तो ये क्या हो, ये सब क्या है, उन चीज़ के सिंप्लीफिकेशन है प्रोडक्ट के, कि प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट, जैसे 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट के अलग अलग अपने सिंप्लीफिकेशन है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्लू पेन ही यूज़ में लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे जो रेड पेन ही यूज़ में लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे जो ब्लैक पेन ही यूज़ में लेते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अलग से पेन आते हैं, ठीक है. तो ऐसे ऐसे होते हैं तो उनकी क्या सिंप्लीफिकेशन अलग अलग होती है. प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट बनाने के बाद अब जैसे आज की जनरेशन में ना ब्लू पेन सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है. ब्लू पेन सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है क्यों, क्योंकि ब्लू पेन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आप उस चीज़ से लिखते हो. ब्लू पेन से आप साइन भी कर सकते हो, ब्लू पेन से आप कोई चीज़ के नोट्स भी बना सकते हो, ब्लू पेन से आप बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो. रेड पेन सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ में ही यूज़ में आता है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई रेड पेन से आप क्वेश्चंस लिख रहे हो या फिर रेड पेन से आप कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये अलग अलग चीज़ है. ब्लैक पेन अलग अलग चीज़ है. तो ये बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जो सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है. एडवांटेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ये क्या है एडवांटेज होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, आप जब प्रोडक्ट को
डेवलप कर रहे हो, उसका अपग्रेड कर रहे हो, तो उसकी गुड क्वालिटी उनकी होगी उस प्रोडक्ट की और उसकी सर्विसेज अच्छी होगी, राइट? उसको ऑपरेशन करने के लिए इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. मतलब आप इससे क्या होगा, जब आपने एक किसी प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के बाद आपके कंज्यूमर्स को जो सेटिस्फेक्शन है वो आपका अच्छा होगा, आपका फीडबैक आपको अच्छा मिलेगा. इट हेल्प्स इन एक्सपांडिंग द मार्केट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. मतलब आपने जब कोई प्रोडक्ट को आपने जब कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपग्रेड करके उसको मार्केट में लेके आ रहा हो तो आपको वो हेल्प करता है कि आपका मार्केट को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है. इट हेल्प्स इन अचीविंग स्टेबिलिटी इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट. यदि आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपने उसको अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद उसकी स्टेबिलिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की रहती है कि हाँ ये प्रोडक्ट आगे तक चलने वाला है और इसी प्रोडक्ट को अपना आगे तक चलाएंगे, तो ये स्टेबिलिटी ये हेल्प भी करता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए. इट हेल्प्स इन फेसिंग कंपटीशन. फेसिंग कंपटीशन होना चाहिए इसके लिए. इट इंक्रीज गुडविल. यदि आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के बाद यदि आपको प्रोडक्ट अच्छा खासा मार्केट में उसकी डिमांड है तो आपकी कंपनी की जो कॉर्पोरेट है उस प्रोडक्ट की जो गुडविल है वो अच्छी बन जाएगी. इट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटीज. मतलब आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के बाद, मतलब उस चीज़ को अपग्रेड करने के बाद आपकी जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी है वो भी आपकी इंक्रीज होती रहेगी, आपको प्रॉफिट गेन होता रहेगा. इसको प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, इसका रिसर्च है. सबसे पहले रिसर्च में आपको तीन तरह के रिसर्च होता है, कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च एंड कंज्यूमर मोटिवेशन रिसर्च. सबसे पहले आपको कंज्यूमर्स, ऐसे कंज्यूमर्स को आपको सर्च करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है. सेकंड थिंग कंज्यूमर्स, सेकंड थिंग प्रोडक्ट रिसर्च, कि उन कंज्यूमर्स को कौन से प्रोडक्ट की अभी नीड एंड वांट है वो चीज़ को आपको सर्च करना पड़ेगा और कंज्यूमर्स को मोटिवेट करने के लिए वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है. ये तीन तरह की रिसर्च होती है, कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च और कंज्यूमर मोटिवेशन रिसर्च. डिटरमाइनिंग नीड्स एंड वांट्स. डिटरमाइनिंग नीड्स एंड वांट्स मतलब आपको उस कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझना पड़ेगा कि इस कि कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स क्या है, ठीक है. डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट. प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का मतलब है कि उसकी प्रोडक्ट के फीचर्स आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में आपको लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं और आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है ना. उसके बाद डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में क्या क्या आता है, क्वालिटी आती है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, उसके डिज़ाइन, उसका कलर, उसके पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी गारंटीड एंड वारंटीड एंड साइज. आप जब कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उस ऑनलाइन परचेस करने के बाद आपकी उसको उसमें क्वालिटी भी आती है कि क्वालिटी कौन सी बॉडी की बनी हुई है, डिज़ाइन क्या है, उसका कलर क्या है, कलर के ऑप्शंस भी आते हैं, पैकेजिंग किस तरीके से आएगी, उसकी लेबलिंग भी होती है, ब्रांडिंग की कौन सी कंपनी का ब्रांड है, गारंटी एंड वारंटी भी सब कुछ आता है, उसकी साइज़ भी आती है, ठीक है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इनोवेशन. प्रोडक्ट इनोवेशन आपने क्या किया कि उस प्रोडक्ट को इनोवेट करके उसको उस चीज़ का इनोवेशन कर लिया आपने. इनोवेशन करने के बाद इसके कुछ कौन से डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट. जब प्रोडक्ट इनोवेशन करते हो तो आपको उस प्रोडक्ट के दो ही चीज़ें, या तो आप कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करो या फिर दूसरा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी आप मार्केट में चल रहा है उसको आप अपग्रेडेशन करके और न्यू और उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, दैट इज़ अ प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. आपको प्रोडक्शन प्रोसेस को आपको वेरीफाई डेवलप करना पड़ेगा कि जो एक घंटे में आपकी इतनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो आपको उसको अपग्रेड करके उसको फास्ट करना पड़ेगा और उसको तरीके से उसको क्वालिटी सब मेजरमेंट करके उसको अच्छे से मार्केट में प्लेस करना पड़ेगा. रेक्टिफाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट अभी चल नहीं रहा मार्केट में एग्जैक्टली अभी चल नहीं रहा तो उसको आप रेक्टिफाई करके या फिर उस चीज़ को जो आपकी उसमें फॉल्ट है उस प्रोडक्ट में लेकर तो उसको रेक्टिफाई करके उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आप मार्केट में अपग्रेडेशन के तौर पे लेके आ सकते हैं, ठीक है ना. टेस्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट. आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट टेस्ट थी कि टेस्ट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब आपने आप एक सैंपल के तौर पर उस प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. इसका मतलब है कि जब टेस्ट मार्केट होने के बाद जब आपके पास फीडबैक आता है, फीडबैक के बाद आप उस प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज कर देते हो, पूरी जगह स्प्रेड कर देते हो, ठीक है. डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइन. उस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन को आप डिटरमाइन कर सकते हो. प्रोडक्ट लाइन मैंने समझाया था कि एक ही होती सीरीज, उसी सीरीज में आपको उस प्रोडक्ट को आपको क्या करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है. प्रोडक्ट ड्रॉपिंग एंड रिमूविंग आपके ऊपर डिपेंड है. यदि वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है नहीं चल रहा है, यदि नहीं चल रहा तो आपको उस प्रोडक्ट को ड्रॉपिंग करना पड़ेगा और उस प्रोडक्ट को अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से हटाना पड़ेगा और आपको नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, या फिर आप उस प्रोडक्ट के बारे में न्यू मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आप अपग्रेड दे सकते हो, राइट. प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड ऑल्टरनेशन. प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना. मॉडिफाई कैसे करोगे, उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिज़ाइन, आर्ट, जो भी चीज़ है उस चीज़ को एक
फीचर्स में देके उस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसको अल्टरनेशन करना पड़ेगा, जिससे वो सबके सामने एक अलग से दिखे, जिससे लोग उसको देखने के बाद अट्रैक्टिव हो। प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, उस प्रोडक्ट को आपको इतना सिंप्लीफिकेशन बनाना पड़ेगा कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़फुल है। अब आपने उस प्रोडक्ट को बना तो लिया, बनाने के बाद यदि आप उसको जब आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसको ना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफिकेशन तरीके से वो करो डिस्क्राइब, जिससे कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से मिले और देन फिर उसके बाद फिर वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए अट्रैक्टिव हो, ठीक है ना। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर प्रोडक्ट में सबसे पहला जैसे प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन में नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का क्या नेचर होना चाहिए, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या चीज़ के लिए हमारे लिए यूजफुल है वो चीज़, ठीक है। कंपटीशन, अब कंपटीशन का मतलब यह हो गया कि जैसे आपने एक ही प्रोडक्ट के दो दो कंपनीज है, तो आपको उसके एक अलग से डिफरेंट वे डिफरेंट फीचर्स आपको देखने पड़ेंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट है। इफेक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट बेनिफिट, अब ये है प्रोडक्ट्स के अलग अलग वो होते हैं, इसमें लेवल्स होते हैं वो अपन अभी पढ़ रहे हैं। अपन लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट होता है कॉर वे के बेनिफिट, दी फंडामेंटल नीड्स ऑफ वन दैट कंज्यूमर सेटिस्फाइड बाई कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। जैसे फॉर एग्जाम्पल दी नीड टू प्रोसेस डिजिटल इमेज, दी नीड टू प्रोसेस डिजिटल इमेज, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कॉर बेनिफिट करते हो, इसका मतलब जो कंज्यूमर्स की नीड एंड वांट्स को समझने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको डिजिटल इमेज करनी पड़ेगी। डिजिटल इमेज इन द सेंस कि आप कोई भी कॉर बेनिफिट के लिए आपको उस चीज़ को बैनर के थ्रू या किसी चीज़ को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। डिजिटल इमेज जैसे फॉर एग्जांपल सोशल वेबसाइट के थ्रू कर लिया आपने, या फिर आपने किसी सेलिब्रिटी के थ्रू यूट्यूब पे दे रहे हो, डिजिटल इमेज हो रही है उसकी, क्रिएट हो रहा है, तो ये प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन किस तरीके से दे रहे हैं, जिससे सामने वाले को सिंप्लीफिकेशन तौर पर उस वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। जेनरिक प्रोडक्ट, ए वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट कंटेनिंग ओनली दोज एट्रीब्यूट्स और करेक्टरिस्टिक्स एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर इट्स टू फंक्शन। सर एक डिस्कशन कर दूँ, स्टॉप।